हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी टू आर स्टडी में। दोस्तों आज वीडियो लाया है, उसे बताऊंगा दोस्तों नाइट्रो से संबंधित जो आईपीसी नाम बनेगा, इसका कॉमन नाम बनेगा, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों कैसे इसका आईपीसी नाम कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डी टू आर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जल्द से रेड बटन दबाए और लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों नाइट्रो से संबंधित जो आईपीसी नाम बनेगा, आईपीसी नामकरण बनेगा, उसको बताओ। दोस्तों ये जो आपको पता है दोस्तों कि मैंने दो पार्ट लाया था आईपीसी नाम का, जो बन गया वो लोड भी है। अब ये तीसरा आया है नाइट्रो से संबंधित, तो इसको चलिए ध्यान करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। नाइट्रो जो है दोस्तों, नाइट्रो का सबसे पहले इसका बेस नेम पकड़ेंगे जो हर बार वीडियो में आया है। जैसे की तो सबसे पहला है इसका बेस नेम दोस्तों, कैसे किस बेस पर इसका आईपीसी नाम बनेगा। तो सबसे पहले क्या है कि बेस नेम बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, ऐसे रहेगा, एक्स मान दीजिएगा, एक्स यानी क्या पोजीशन, नाइट्रो अल्केन, जहां क्या रहेगा एक्स क्या रहेगा दोस्तों, इसका पोजीशन किसका रहेगा, नाइट्रो। नाइट्रो का क्या रहेगा दोस्तों, पोजीशन रहेगा। अब दोस्तों क्या था इसका कॉमन की नाम आता था दोस्तों, कॉमन नेम की बात आता, तो कॉमन नेम में कुछ बात नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है बस इसे कि रहेगा दोस्तों तो कि मिथाइल नाइट्रेट रहेगा, तो इसको मिथाइल नाइट्रेट ही पड़ेगी, कॉमन नाम हुआ। तो इसी तरह से इसको बोल सकते हैं अल्काइल बोल सकते हैं, नाइट्रेट बोल सकते हैं, तो अल्काइल नाइट्रेट हो जाएगा। नाइट्रेट दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, NO2 है, यहाँ पे क्या जाएगा अल्काइल नाइट्रेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या बनाएगा आईपीसी नाम करता है, पेशी नाम को तो बताया दोस्तों हर बार वीडियो में आता है, एग्जाम्पल से बताया पेशी नाम, तो उसको बनाना रहता है, नॉमिनल क्लेचर रहता है, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है इसका की नहीं परिभाषा है। देखिए क्या रहेगा, ऐसे रहेगा सबसे पहले, रहेगा CH2 रहेगा, यहाँ NO2 रहेगा, इसका बोलेगा आईपीसी नामकरण। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कार्बन का लंबा चेन, पैरेंट चेन सबसे लंबा चेन रहेगी, सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या, मैक्सिमम कार्बन की संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहला गिनूंगा दोस्तों, इसमें तो तीन कार्बन आएंगे, इसमें कोई शाखा ब्रांचेस नहीं निकले हुए हैं, यानी कि जो क्या है पुलिस निकल शाखा वाला इसमें नहीं है, तो एक इधर से आ जाएगा, दो इधर से, यानी कि तीन कार्बन की संख्या। तो मैंने क्या बताया, देखिए नाइट्रो किस पोजिशन पर है, पहले स्थान पर है, एक के स्थान पर, एक स्थान पर है कि दो के, यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ है, एक के स्थान पर, तो एक क्या आ जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा, यानी कि इसका पोजिशन हो जाएगा। तो क्या बोल सकता हूँ, एक नाइट्रो बोल सकता हूँ दोस्तों। तीन कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, तीन कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोप बताया था, तो प्रोप तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन दोस्तों। मैंने बताया था एक कार्बन के लिए मिथ है फॉर, दो कार्बन के लिए एथ है एसी, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के ब्यूट, पांच कार्बन के पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सेवन कार्बन के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑप्ट, नौ के लिए नौ, दस डी नू, इसमें सब बताया था, डी बताया था, तो सभी को देख सकता है वीडियो में बुलाया था, सबसे पहला उसे बताया गया है, तो आप इसी तरह से और ही समझ सकते हैं। जैसे यहाँ तो मैंने बता दिया दोस्तों, यहाँ क्या है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं दोस्तों, इसका कॉमन नाम है, इसको बोल सकते हैं। तो इसका एक और नाम क्या जाएगा, ये तो आईपीसी नाम हुआ, इसका एक और नाम होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले क्या तीन कार्बन के लिए आया था, क्या था अल्काइल, अल्क मतलब क्या था कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या आएगा दोस्तों, प्रोप, ये वाइल जोड़ दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, क्या दोस्तों नाइट्रेट है, इसको बोल सकते हैं नाइट्रेट, यानी ये भी एक नाम हो गया। आप दोस्तों सेकेंड देखते हैं क्या ऐसे ही रहेंगे दोस्तों, एक ऐसे रह जाएगा दोस्तों, यहाँ तो दोस्तों सी नहीं होगा, सी एच नहीं होगा, कार्बन होगा। तो पहले जानते हैं दोस्तों कि कार्बन जब भी बनाता है दोस्तों तो चार बॉन्ड ही बनाता है, तो तीन कार्बन आ गया, तो तीन कार्बन तो दोस्तों इसका मैक्सिमम तो जैसे तीन कार्बन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि तीन कार्बन किसी भी तरह से गिनेगा तो तीन कार्बन ही आएंगे, तो क्या जाएगा तो एक दो तीन, तो तीन कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था प्रोप, तो लेकिन आपको यहाँ सावधान नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बात है कि यहाँ पे एक तो मेथिल समूह है और एक क्या है नाइट्रो समूह है, तो नाइट्रो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ सबसे पहले तो कार्बन के क्या, सबसे पहले तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल कितने स्थान पर, दो पर, क्या लिख सकते हैं दो मिथाइल लिख सकते हैं, इसका आईपीसी नाम दो मिथाइल हो जाएगा। अब दो मिथाइल के बाद क्या लिखना है, यहाँ एक्स नाइट्रो, नाइट्रो का भी समूह लिखना था, दो मिथाइल लिख दूंगा और फिर क्या लिख दूंगा दोस्तों, दो नाइट्रो, कितने कार्बन है, तीन कार्बन, प्रोपेन,
ये हमारा हो गया क्या आईपीसी नाम, दो मिथाइल दो नाइट्रो और दो क्या हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि देखे मिथाइल समूह भी दो ही पर है और नाइट्रो समूह भी दो ही पर है और लंबा चेन कार्बन का संख्या एक दो तीन हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट करिए फॉर एग्जांपल दोस्तों ऐसे रहेगा क्या करना है, सबसे पहले तो बात लंबा चेन लेना है तो लंबा इधर से गिनूंगा एक दो तीन चार, मैं इधर से क्यों नहीं गिना दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो शाखा नजदीक पर इधर से गिनूंगा इधर से काउंटिंग करूंगा तो दूसरे स्थान पर आएंगे सेकंड स्थान पर, लेकिन इधर से मैं गिनूंगा तो यहाँ से गिनूंगा देखिए एक दो तीन चार तो देखिए तीसरे स्थान पर आए, यानी कि एक व्यक्ति दो किलोमीटर की दूरी पर है, मैं इधर से जा रहा हूँ कोई ऐसा रास्ता जैसे जा रहा हूँ तो दो किलोमीटर की दूरी पर मुझे वो स्थान मिल रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां से जा रहा हूँ तो तीन किलोमीटर की दूरी मिल रहा है, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे जहां से मैं दो किलोमीटर की दूरी पर स्थान आ जा रहा है, मैंने की बहुत कम समय में बहुत कम दूरी पर है तो इसलिए मैं इधर से गिनूंगा, जहां कम आना चाहिए कोई भी क्रियाशील समूह कम स्थान पर जहां से नजदीक पड़े तो यह दो आया इसलिए मैं इधर से गिनूंगा, ये हमारा जो काउंटिंग होगा ये गलत होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या दोस्तों नाइट्रो का पोजीशन लिखना है, तो क्या दो पर है तो दो लिख दीजिए और नाइट्रो है तो नाइट्रो लिख दूंगा, चार कार्बन तो चार कार्बन के लिए मैंने अभी भी बताया था रिपीट किया था तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, यानी कि जो हमारा इसका आईपीसी नाम जो करेक्ट आएगा ऐसे, ये नहीं देखिए ऐसा भी बताया तुम्हें तो एक दो तीन चार ऐसे करिएगा तो इसको क्या बोलेगा, यहाँ बोलेगा क्या तीन नाइट्रो और ब्यूटेन, तो ये जो आप बनाएंगे इधर से गिनकर ये आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल, ये हमारा जो सही होगा तो सही होगा दोस्तों, कैसे ये वाले होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो मतलब कम संख्या आना चाहिए तो जो हमारा ये होगा गलत हो जाएगा, तो आप ऐसे भूल कर ही नहीं बनाइएगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता दिया इसका वार्निंग भी दे दिया। एक और दोस्तों जब चलते हैं माँ दोस्तों लास्ट एक और देखते हैं बहुत अच्छा रहेगा वो भी, अब दोस्तों एक और देते हैं दोस्तों यहाँ क्या था तो तीसरा हो गया, तीन एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, एक चौथा भी देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बस आप कमेंट करते चले दोस्तों और लाइक करते चले बस मुस्कुराते हुए और उसी से समझ आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बस क्या है दोस्तों एक और देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों नाइट्रो रहेगा और एक तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच टू हो जाएगा, अगर सी एच टू नहीं हुआ है सी एच हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी एक मैं नाइट्रो समूह दे रहा हूँ और यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा सी एच हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा सी एच थ्री, आप ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्या सी एच कैसा हो रहा सी थ्री का, कार्बन हमेशा बनाता है चार बॉन्ड देखिए यहाँ भी गिन सकते हैं तीन एक चार हो जाएगा, यहाँ भी तीन बना रहा है एक इसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ, आप उसका आईपीसी नाम करना है तो आप लोग दिमाग बैठे कि मैं क्या करूं इससे, बस कुछ नहीं नौ दो नाइट्रो समूह तो दो गिनूंगा इधर से भी गिनेगा तो दो ही पड़ेगा तीसरा पड़े इससे गिनेगा तो दूसरा तीसरा पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं किधर से भी गिन सकते हैं एक दो तीन चार, दूसरा तीसरा पड़ाया तो मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों दो कौमा तीन कितने समूह है दोस्तों दो है तो दो के लिए कहा जाएगा डाइव नाइट्रो तो नाइट्रो देगा तो कार्बन की संख्या कितना है कार्बन कितने संख्या है चार, चार कार्बन कितना होता है ब्यूट तो ब्यूट क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, जितने मैंने आपको चार एग्जांपल दिया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कब चार एग्जांपल से जो नाइट्रो समूह का जो वीडियो था उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बना सकते हैं आप रिवीजन भी कर सकते घर से तब बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं बस एक और दो तो आपको देता हूँ होमवर्क की टाइप पर देता उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देखिए कैसे रहेगा, इसका दोस्तों आप आईपीसी नाम इसका दोस्तों आईपीसी नाम बना सकते हैं दोस्तों घर का और उसको बताइए उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हाँ बन गया इसका क्या होगा तो बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दोस्तों, हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो को लाइक करें हो सके तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं कि नाइट्रो समूह का आईपीसी नाम ऐसे बनता है, हमारे चैनल को बताएं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे वीडियो डाले जाते हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डी टू एस थ्री को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाएं और लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट को पहुंच सके और देख सके और पढ़ सके दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि तो वहां भी आपके लिए एग्जामिनेशन बोर्ड से संबंधित बहुत सारे पॉइंट भी डाल जाते हैं तो वहां भी कर सकते हैं दोस्तों,
तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर, उसमें भी लाऊंगा दोस्तों आईपीसी नाम के बारे में बताऊंगा दोस्तों, उसमें बताऊंगा दोस्तों बेंजीन आएगा, बेंजीन से संबंधित जो आईपीसी नाम बनेगा उसका लाऊंगा दोस्तों, तो उसका इंतजार करिए। तो जय हिंद जय भारत।